तो भाई लोग कैसे हो, तो हम फिर से आ चुके हैं माइनक्राफ्ट वन ब्लॉग में। और आज के इस एपिसोड में भाई पहले ही गिर गए। तो आज के इस एपिसोड में हम कुछ करने वाले हैं वो अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे शल्कर बॉक्स है, बहुत कुछ है। देखो यार, मतलब इतने शल्कर मिले हैं हमें। और सबसे बढ़िया बात ये देखो, इलाइटर अभी हमें मिल गई, वो भी एक नहीं तीन तीन। ओके, तो मतलब एक ही कलर के सारे मैंने ब्लॉक साइड साइड रखे हैं, सारे शल्कर बॉक्स। इसके अंदर सेम चीज़ें हैं, बहुत कुछ मिला है। डायमंड के पिकल्स मिले हैं, स्वॉर्ड मिली है, आर्मर में मिला है, बहुत कुछ मिला है। और हमने हमारी इस विलेज को थोड़ा और ठीक ठाक किया है, इसके ऊपर छत दे दिया है क्योंकि बारिश में ये सब मर जाते हैं यार। यहाँ पे छत दे दिया, एक आयरन गोलम भी रख दिया जिससे जो मॉब्स के साथ फाइट करेगा, और स्नो गोलम तो है ही। और यहाँ पे हमारा विलेज में बहुत सारे मतलब नए बच्चे आ गए हैं, बहुत ही अच्छे से वेडिंग कर रहे हैं, देख सकते हो ऊपर छत में टहल रहे हैं सब। तो विलेज ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। और हमारा मतलब नेदर पोर्टल अभी ठीक ठाक नहीं है, हम इसे ऑटोमेटिक करने की कोशिश कर रहे थे जो फिलहाल के लिए फेल हो चुका है। और हमने हमारी इस उल फार्मेशन को अंदर घुसेड़ दिया है, यहाँ पे हमें सब उल्स मिलेंगी। ओके, तो इसे हमने नीचे शिफ्ट कर लिया है जिससे जगह कम खाए। और हमने इस जगह को बड़ा बनाया है और इसे थोड़ा अच्छा किया है, देखो अंदर घुसेड़ दिया है। और यहाँ से हम जा सकते हैं, देखो हमने मतलब जो ट्रेडर होता है ना जिससे हम चीज़ें ले सकते हैं, जो ये घोड़ा लेके आता है उसके साथ मतलब डील वगैरह करके ये सारे ओ कहाँ गया उलोंडा, अच्छा इनविजिबल है, तो उसके साथ डील्स करके हमने ये सब किया है। और टर्टल तो हमारे पास पहले से ही था, तो बस यही किया है अपने, बहुत कुछ नहीं किया है। तो आज के इस एपिसोड में हम बनाने वाले हैं एक एन्चेंटिंग रूम जिसमें हम हमारी एन्चेंटिंग वगैरह करेंगे, क्योंकि एन्चेंटिंग रूम अभी तक हमने नहीं बनाया। और एक चेस्ट रखने के लिए एक अच्छा सा जगह बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई इधर उधर चेस्ट बिखरे हुए हैं हमारे पास। तो यार करते हैं, तो भाई लोग हमने ये चीज़ बनाई है बहुत ही मेहनत के बाद यार। डेकोरेशन के लिए ये दिया है ऊपर, इससे धुआं भी उड़ रहा है और थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। लाइट वाइट सब लगा दिए हमने चारों ओर, स्टिचेस स्टिचेस जो कि सब के सब खा दिए। तो यार वहाँ से हम शिफ्ट करके लाएंगे एक मतलब एक टाइप के चेस्ट में एक ही टाइप का चीज़ रहेगा। और ये हमारा एन्चेंटिंग रूम थोड़ा ख़राब लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, काम तो चला हुआ है। और अच्छे अच्छे एन्चेंटमेंट्स दे गए हमको, यहाँ पे चेस्ट लगाया है जो कि सब खाली है। ओके, अब हम जो दूसरी चीज़ बनाने वाले हैं वो है हमारा खाना खजाना, जिसमें हम हमारी खाने की ज़रूरतें पूरा करेंगे। और इसमें हम एक ऐसी चीज़ बनाने वाले हैं जिसमें खाना कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हाँ यार, खाना कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो चलो यार शुरू करते हैं, ये ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक। आपको जाना है और खाना लेके आ जाना है। सबसे पहले हमको चेस्ट रखना है, तो चेस्ट चेस्ट यहाँ पे रखते हैं यार। अब इसके पीछे जाओ, क्राउच होके इसके पीछे एक हॉपर चिपका दो, और हॉपर के ऊपर लगा दो एक स्लैब, एक ही लगाओ। ओके, स्लैब लगाने के बाद आपको चाहिए ग्लास, फिर यहाँ पे लगाओ एक ग्लास, यहाँ पे लगाओ एक ग्लास, इसको उसके पीछे लगा देने का एकदम फ्रेम से जिस तरीके से। अब इसके पीछे एक हॉपर चिपका दो। ओके, हॉपर चिपकाने के बाद चारों ओर ग्लास से कवर कर दो, यहाँ पे एक स्लैब लगाओ, यहाँ पे नहीं रहे यहाँ पे। ओके, एक मिनट इसके ऊपर फिर से खुदाई चालू करना पड़ेगा अभी। यहाँ पे खुदो पूरा ग्लास से कवर कर दो। ओके, ऐसे करने के बाद यहाँ पे ग्लास और फिर यहाँ पे भी ग्लास, और इसके ऊपर डाल दो सिंपली लावा। आहा, अब भाई कितना डर लगता है ना ये लावा देख के, तो इसके ऊपर भी कवर कर दो। ये वाला शीशा तोड़ दो। अब यहाँ से आपको कनेक्शन ले जाना है यहाँ पे एक क्या, अब देखो क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे नॉब लॉक तक जाना है जैसे कि मैं गया हूँ। अब आपको एक तरफ ले जाना है, कोई भी एक डायरेक्शन, इस तरफ फिर इस तरफ, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहे हो गोल गोल घूम के इसे रख दो बीच में। तो अभी ऐसे रखो, फिर ऐसे रखो, अब रेड स्टोन डाल दो और फिर यहाँ से कनेक्शन कर दो, बस हो गया। ओके, तो ऐसे रखो, लीवर ऑन करो फिर ऑफ करो, लो काम करना ख़त्म। ये लीवर आपका ऑन ऑफ स्विच होगा, लेकिन आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा यार, वही होगा जो ये आप स्विच चाहेगा। देखो अब आपको क्या करना है, इसके अंदर इस मुर्गियों को रखना है जैसे कि मैंने रख दिया है। जितने मुर्गे होंगे उतने ही चांसेस है कि आपको ज़्यादा, मतलब चांसेस है क्या मिलेंगे आपको, लेकिन ज़्यादा मिलेंगे। तो जितने हो सके उतनी मुर्गियाँ इसके अंदर खोपचे के अंदर घुसेड़ दो। तो ये मुर्गियाँ अंडे देंगे, वो अंदर इस हॉपर के थ्रू आएगा, और यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने अंडा दिया इस हॉपर के थ्रू, यहाँ पे आया अंडा और एक चिक में बदल गया, मतलब वो जो चूजा होता है। तो ये अभी छोटा है तो इसको मार के हमें कुछ नहीं मिलता है, आपको भी पता है। तो
तो जब ये बड़ा होगा तो लावे से जल जाएगा, और लावा से जलने के बाद इसका रोस्टेड चिकन बन जाएगा। तो भाई लोग वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, और मिलते हैं किसी और वीडियो में शॉर्ट टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए बाय बाय, और ऐसे बना के आप भी बनाओ यार अनलिमिटेड खाना खजाना, और बताना आपको कि कौन सा अच्छा लगा, हमारा अनलिमिटेड खाना खजाना या फिर हमारा ये एन्चेंटिंग रूम।